लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आपके साथ मैं साक्षी। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। बाघ दिवस पर दो बाघों की मौत से वन जीव प्रेमियों में गम का माहौल। टाइगर डे पर ही मिले बाघों के शव। बुरहानपुर के दवाटिया गांव के सरकारी स्कूल के शिक्षक नशे में करवा रहे पढ़ाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। भाजपा नेत्री उमा भारती ने किया था महाकाल मंदिर के गर्भगृह में कुर्ता पहनकर प्रवेश, महाकाल मंदिर के महेश पुजारी ने उठाए सवाल। बाघ दिवस पर बाघ शावक और बाघिन की मौत की खबर से वन्य जीव प्रेमियों में गम का माहौल है। यहां दो बाघों की मौत से हड़कंप मच गया। घटना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कलवा कोर जोन की बताई जा रही है। बेटे की मौत के बाद बाघिन मां का भी शव मिला है। जहां एक और कल सारा देश टाइगर डे की खुशियां मना रहा था, वहीं देश में अव्वल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दो बाघों की मौत की खबर ने पूरे देश में टाइगर डे की इस खुशी के पलों को गमगीन कर दिया। आपको बता दें कि संपूर्ण देश में हमारे प्रदेश को सर्वाधिक टाइगर होने का तमगा मिला है, जहां टाइगर सबसे अधिक सुरक्षित पाए जाते हैं। वहीं रविवार की शाम इस घटना ने बांधवगढ़ के वन प्रबंधन की टाइगर हेतु सुरक्षा की कलई खोलते नजर आ रही है। उमरिया से राजकुमार गौतम की रिपोर्ट। बुरहानपुर के आदिवासी बाहुल्य धूलकोट के दवाटिया गांव के पास मालसिंह फालिया की सरकारी स्कूल के शिक्षक का पढ़ाई कराने के दौरान शराब के नशे में होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले के मीडिया में आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। बुरहानपुर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर आदिवासी बाहुल्य धूलकोट के दवाटिया गांव के पास मालसिंह फालिया में संचालित सरकारी ईजीएस शाला में हीरालाल चौहान नामक शिक्षक का शराब के नशे में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल ग्रामीणों की शिकायत है कि शिक्षक रोजाना शराब पीकर बच्चों को पढ़ाने आता है, लेकिन पढ़ाई के बजाय बच्चों के साथ मारपीट करता है। एक जागरूक ग्रामीण युवक ने इस शराबी शिक्षक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। मामला मीडिया में आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी पीएन पाराशर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच के आदेश दे दिए। जांच में शिक्षक के स्कूल में शराब के नशे में आना पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर से तफसल हुसैन मुलायमवाला की रिपोर्ट। भाई देखो, ये जो मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, मैं जब वहाँ जा करके और उसको देखता हूँ और अगर उसमें वास्तविकता पाई जाती है तो उसके निलंबन का आदेश तत्काल। भाजपा नेत्री उमा भारती के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में कुर्ता पहनकर प्रवेश किए जाने पर महाकाल मंदिर के महेश पुजारी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को इसके लिए आड़े हाथों लिया है। महेश पुजारी के मुताबिक जब महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने यह नियम बना रखा है कि गर्भगृह में प्रवेश बंद होने के दौरान यदि कोई गर्भगृह में प्रवेश कर पूजा करना चाहता है तो पुरुष सोला पहनकर और महिला साड़ी पहनकर ही गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है, तो फिर इसका पालन क्यों नहीं कराया जाता? होगी अन्य आरती होगी और जब जब गर्भगृह का प्रवेश बंद होगा उस दौरान गर्भगृह में पुरुष वर्ग धोती पहन के शोला पहन के प्रवेश करेंगे और महिला या साध्वी या अन्य कोई भी होंगे वो भी अपने अनुरूप साड़ी पहन के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। साड़ी का प्रबंध मंदिर प्रबंध समिति को करना चाहिए या मंदिर प्रबंध समिति इस नियम को किया है तो उसका पालन सभी को करना चाहिए, चाहे वो धर्माचार्य हो, चाहे आचार्य हो, चाहे कई लोग लुंगी पहन के मंदिर में गर्भगृह में जा रहे हैं और जो लुंगी भी हमारे यहाँ प्रवेश में निषेध मानी गई है, लेकिन ये सब चीज़ें मंदिर समिति ने निर्णय में ली है, लेकिन उसका निर्णय का पालन कर्मचारी या अन्य लोग जो वहाँ होते हैं वो कराने में थोड़े असफल हैं, क्योंकि उनकी शिकायतें होती हैं और उन पर कार्रवाई करके उनको मंदिर से पृथक कर दिया जाता है। इसलिए इन नियमों का पालन कराने में हर आदमी भयभीत है, डरा हुआ है, लेकिन हमारा सभी से अनुरोध है कि चाहे वो किसी भी पद पर हो, मंदिर समिति ने जो नियम महाकाल मंदिर के लिए बनाया है कि जब जब प्रवेश बंद होगा, जब जब आरती का गर्भगृह में प्रवेश बंद होगा तब तक ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। लेकिन पंडित जी, अभी उमा भारती जाए थी, उनके ड्रेस कोड किसी के ऊपर नहीं है। मेरा ही कहना है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी आते हैं, उनको मंदिर के नियम का पालन करना चाहिए।
और मंदिर का पालन होना चाहिए। ये हमारा सब मैं मेरा ये सवाल है कि जो वो पहनती हैं उसमें क्या नहीं, कारण ये है कि जो ऊपर से जो कुर्ता होता है वो जो कुर्ता जो कहा जाता है वो कुर्ता कहलाता है, वो उस जो मंदिर समिति ने साड़ी पहनने का जो नियम किया उसमें नहीं आता है, इसलिए उसके ऊपर ये बात है कि वो कुर्ता ना पहने, वो साड़ी जो वो भगवा साड़ी पहन सकते हैं। जो भी साध्वियाँ हैं हमारी, हम सबका आदर करते हैं, उनका सबका सम्मान करते हैं, हम सभी साध्वियों से अनुरोध करते हैं कि वो भगवा साड़ी पहन के आए ऐसे समय जब प्रवेश गर्भगृह का बंद हो, और वैसे नहीं तो हर ड्रेस अलाउ है जब गर्भगृह प्रवेश चालू होता है, उसमें किसी भी प्रकार का पैंट जीन्स जिस में भी आता है जब गर्भगृह का प्रवेश चालू होता है उसमें किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं। दरअसल उमा भारती मंगलवार को जैन आई, इस दौरान उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर जाकर भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजन किया। चूँकि गर्भगृह में प्रवेश बंद था, इसके बावजूद भी उन्होंने गर्भगृह में जाकर पूजन किया। इस दौरान वे साड़ी के बजाय साध्वी के वेश में थी और उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था। जब इस संबंध में उमा भारती से पूछा गया तो उन्होंने सफाई दी कि वो कोई जींस या टी शर्ट सलवार कुर्ता पहन के नहीं आई थी, अगर फिर भी किसी को कोई आपत्ति है तो अगली बार उन्हें साड़ी भेंट कर दे, वह साड़ी पहनकर महाकाल के दर्शन के लिए जाएगी। उज्जैन से प्रदीप मालवी की रिपोर्ट। और जब मैं बहुत पहले जब मैं संस्कृति और टूरिज्म मिनिस्टर थी तभी मैंने ये बात कही थी कि इस पृथ्वी का समय का जो निर्धारण है वो ग्रीन विक्स से नहीं है, उज्जैन से है, लेकिन चूंकि वो यूरोप में एक चलन हो गया है, क्योंकि सूर्य की जो पहली किरण है वो जापान में उगता है सूर्य, लेकिन सूर्य की जो पहली किरण है वो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप के एक छोटे से उपद्वीप के ऊपर पड़ती है। और ये जो समय का निर्धारण है, मैं मानती हूँ कि अभी ग्रीन बीच मीन टाइम से ही हम चलेंगे, रात के 12 जो हमारे बचते हैं साल के आखिरी दिन में वो हम उसी के हिसाब से चलते हैं, लेकिन यह भी एक शोध का विषय है कि उज्जैन का नाम जो महाकाल पड़ा महादेव का, ये समय का स्वामी है, क्योंकि मंगल ग्रह के सबसे नज़दीक जो स्थान है वो मंगलनाथ है, आज मंगलवार है और ये समय के स्वामी हैं, इसलिए इस पर भी विचार होना चाहिए। सिर्फ भारतीय होने के कारण और हिंदू होने के कारण मैं ये बात ना कहूँ, ये मेरे लिए भी शोभा नहीं देगी। रहली तहसील कार्यालय में प्रत्येक मंगलवार होने वाली जनसुनवाई में आज भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आवेदन आए, जिसमें तहसीलदार एवं एसडीएम सीएल वर्मा ने समस्या का निराकरण किया। एसडीएम ने बताया कि आज की जनसुनवाई में लगभग 25 से 30 आवेदन आए हुए हैं, जिसको संबंधित अधिकारियों को आवेदन की जाँच करने को और समस्या का निराकरण करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। अच्छा, का आश्वासन मिलो? आश्वासन आवेदन ले लिया है साहब। अच्छा अच्छा, पटवारी के लिए जांच के लिए आज की जनसुनवाई में, और आज की क्या, और जो भी जनसुनवाई यहाँ होती है, मैं जो भी आवेदन आते हैं संबंधित, जिससे जिससे संबंधित होता है उससे उसको दे दिया जाता है, उससे जांच कराई जाती है और उस पर जो भी निर्णय लिया जाता है उस निर्णय के आधार पर उसका निदान हो जाता है, उसकी समस्या का कराते हैं। सर आज लगभग आज की तारीख में सर कितने आवेदन आए? 20-25 करीब है, 25 से 30 करीब आवेदन आए हैं। शहर में नकली घी बनाने और बेचने का गोरख धंधा खूब फल फूल रहा है। मंगलवार को खाद्य विभाग के अधिकारी उस समय भौचक रह गए जब उन्होंने यहां नकली घी बनाने का कारखाना पकड़ा। दरअसल यहां केलकर परिसर में नकली घी बनाया जा रहा था। मिलावटी, अमानक और एक्सपायरी खाद्य सामग्री बेचने और बनाने वालों की खैर नहीं है। जिला प्रशासन के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और नापतोल सहित अन्य जिम्मेदार विभागों की संयुक्त टीम द्वारा ऐसे दुकानदार और खाद्य सामग्री निर्माताओं के खिलाफ लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को खाद्य विभाग और नापतोल की संयुक्त टीम ने बहादुरगंज में स्थित केलकर परिसर में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा तो यहाँ 800 किलो नकली घी मिला। साथ ही यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग होता है। बड़ी मात्रा में वनस्पति घी, एसेंस और तेल पाया गया, जिसे मिलाकर नकली घी बनाया जाता था। जिला आपूर्ति नियंत्रक ML मारू के मुताबिक बड़ी मात्रा में नकली घी के साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। उज्जैन से प्रदीप मालवी की रिपोर्ट। अन्य सूत्रों के माध्यम से कल कंट्रोल रूम जारी किया, उसमें सूचना मिली थी कि केलकर उद्योग परिसर में कृष्णा डेयरी के नाम से नकली घी बनाने का कारखाना है।
और टीम लेकर या खाद्य टीम नापतोल की टीम लेकर आए। नापतोल वालों ने अपने विभाग की कार्रवाई की, खाद्य विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडर का इन्होंने कारखाना में व्यावसायिक उपयोग के लिए किया, वो चार सिलेंडर और चूल्हा जब्त किया है। खाद्य औद्योगिक प्रशासन भी यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं कि घी के नाम से ब्रांडिंग करके ये नकली घी नाम का जो चीज़ है जिसमें वनस्पति और तेल और इसेंस मिला के फ्लेवर घी का मिला के बेच रहे हैं मार्केट में, तो वो बड़ा यहाँ मिला है, हजारों किलो यहाँ मिला है घी, और इस पर भी खाद्य औद्योगिक प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। क्या इसमें सजा हो सकती है लोगों में? चंपल भाई जी, खाद्य औद्योगिक प्रशासन के जो उनके धारा है उसमें कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। कलेक्टर महोदय के निर्देश है कि इस प्रकार का जनस्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो उनको नहीं बख्शा। आज ही टीएल बैठक में कलेक्टर महोदय निर्देश दिए कि पिछला 5-10 साल का रिकॉर्ड देखा जा रहा है, इनका रिकॉर्ड खराब है और पुनः पकड़ा जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन। बैकस्टार्टिंग के नाम से नकली घी बनाते हैं, एसेंस वनस्पति और रिफाइंड सोयाबीन को मिलाकर ऐसा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये सामान्यतः बेचा जाता है। इससे पूर्व हमारा विभाग इन पर कार्रवाई कर चुका है। क्यावर सर के निर्देश पर हमने इससे पहले कार्रवाई की है, 2 प्रकरण हमने नामजद किए हैं और उसमें जुर्माना भी हुआ है। यहाँ पर लगातार हमको फिर से शिकायत मिल रही थी कि इन्होंने पुनः कार्य प्रारंभ किया है और उसके पश्चात ने कार्रवाई की है। रही बात हार्मफुल की, जिन व्यक्तियों को वनस्पति से एलर्जी है, एसेंस से एलर्जी है, वो तो है ही, साथ में किडनी से संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है और त्वचा संबंधी रोग भी, जो एसेंस डाला जाता है वो इतना घातक होता है कि अधिक मात्रा में डालते हैं त्वचा संबंधी रोग भी जनरेट करता है। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।